दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में जिन सीटों को सबसे हॉट माना जा रहा है उनमें से एक सीट बिहार की पूर्णिया सीट है। बिहार की पूर्णिया सीट न सिर्फ राज्य की सबसे हॉट सीट बन चुकी है बल्कि दिल्ली तक की निगाहें भी पूर्णिया पर टिकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पप्पू यादव सभी नेताओं और राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है पूर्णिया सीट। खास तौर पर पप्पू यादव के सीट से लड़ने की जिद और मरने जीने के सवाल ने इस सीट को और दिलचस्प बना दिया। लगातार सुर्खियों में रहने वाली ये सीट मतदान के दौरान भी खबरों में आ गई। दरअसल पप्पू यादव वोट डालने बूथ पर पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए पप्पू यादव ऐसा कुछ बोल गए कि एक बार फिर वो खबरों में बन गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। मुझसे क्यों डरे, मेरी औकात क्या है? जनता से डरना चाहिए, मैं भी जनता से ही डरता हूँ। अपने पाप से डरना चाहिए, कुकर्म से डरना चाहिए। और जनता महान होती है, वो भगवान होता है, वो ईश्वर अल्लाह होता है। जनता को मूर्ख ना समझे, जनता को औकात ना दिखाए, आकर के चार दिन बैठ करके तुम इधर दे दो, उसको नहीं दो तो इसको दे दो, ये क्या है? ये इतनी गंदी, मधेपुरा में क्या करेंगे लोग, सुपौल में क्या करेंगे, और जगह लोग क्या करेंगे? आपको बता दें कि देश भर में 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी आज मतदान है। ये सीट शुरू से ही पप्पू यादव के चलते सुर्खियों में रही। इस लोकसभा सीट पर पप्पू यादव बनाम आरजेडी बनाम जेडीयू में भिड़ंत हो रही है। वोटिंग के बीच पूर्णिया सीट के निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने न्यूज नेशन से बात की। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर जो कुछ कहा सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सुनिए आप भी पप्पू यादव का ये बयान। हम पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला, हमें पुलिस प्रशासन से तंग करवाया गया, हमारे कई बार गाड़ी सीज किए गए, कल भी मरवाने की साजिश हुई, और बिना किसी कारण गाड़ी पकड़ लेना, और डीएम के द्वारा यह कहना कि जाओ कोर्ट से चले जाइए, डीएसपी का था उतरो, तो ये लगातार यहाँ आकर के एमपी एमएलए के द्वारा आतंक पैदा करना, 100-100 एमएलए बैठ जाने, नीतीश बाबू जो उसको बहुत भाई की तरह मानते हैं, उसका रोड शो, सभा की सभा, और उसके बाद आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ गए अपनी सबसे पहली सभा करने, कुछ लोग तो यहाँ पर सारे क्रिमिनल्स माफिया सबको मेरे खिलाफ बुला लिए। पप्पू यादव को इस सीट पर टक्कर देने वाली जेडीयू के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा हैं, जो कि पिछले दो चुनाव से जीतते आ रहे हैं। वहीं नीतीश की पार्टी छोड़कर आई विधायक बीमा भारती को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। वहीं राजेश रंजन यानी पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं, जिसके चलते पूर्णिया का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आपको बता दें कि पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन कांग्रेस से टिकट ना मिलने के चलते वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सब